आज सुबह सुबह बस में हम लोग बैठे और बहुत जल्दी हम लोग निकल गए हैं। 6:30-7 बजे ही हम लोग होटल से निकल गए हैं। और चूँकि आज हम लोग गिरजा भी किए, मतलब मास हुआ है, और सुबह सुबह चले हैं। बहुत दूर नहीं है यहाँ से नेटिविटी चर्च, जहाँ प्रभु का जन्म हुआ था, बेतलहम। तो अब धीरे धीरे हम लोग बहुत बढ़ चले हैं। तो चूँकि बहुत जल्दी निकले हैं, इसका यही मतलब है कि सारे दुनिया से लोग इस नेटिविटी चर्च में आते हैं और लाइन लग के उस जगह को चूमते हैं अपने सारे हृदय से, जो जगह में प्रभु का जन्म हुआ है। तो आइए हम लोग अभी इसको दिखाते हैं, और साथ में गाइड अंग्रेजी में बताता जा रहा है कि आज हम लोग क्या क्या करेंगे, कैसे कैसे नेटिविटी चर्च में होगा, और कल के दिन में हम लोग कैसे कोलकाता में आधा दिन हम लोग वहाँ लगा देंगे। सो गाइस, आप देख सकते हैं कि बेतलहम का जो ये इलाका है, बहुत ही ऊबड़ खाबड़ पहाड़ियाँ हैं। यहाँ बस से हम लोग जा रहे हैं, तो सामने से कार और बाइक्स वगैरह आ रहे हैं, तो आप देखिएगा ऊंचाइयों में, पहाड़ियों में ही ये बसा है। सो गाइस, होली लैंड टूर के लिए बुकिंग करना हो तो इस वाले QR कोड को आप स्कैन करें और अपना बुकिंग कर सकते हैं। सो गाइस, एक और चीज़ है जो आपको जानना चाहिए। हम लोग जब यीशु का जन्म जिस जगह हुआ था, मतलब बेतलहम में, तो ठीक उसके बगल में करीब 0.5 किलोमीटर दूर नहीं होगा शायद दूरी में, तो वहाँ पर मिल्क ग्रोटो है। यानी तो आपको याद होगा, बाइबल में आप लोग सुनते हैं कि हेरोद राजा के से बचने के लिए जब माता मरियम अपने बच्चे को यीशु को लेकर के मिस्र देश जाने लगे, तो ठीक यही एक जगह था जहां शायद पेड़ का छाया में या एक जगह सथाने के लिए बैठी थी और वहां पर यीशु को दूध पिला रही थी। तो वहां एक दो ड्रॉप दूध का बूंद गिरा था, और वहाँ हम लोग जाते हैं। वहाँ ग्रोटो बनाए हैं, बहुत ही अच्छा वहाँ गिरजाघर बना है, उसको ज़रूर अगर आप जाते हैं तो देख के आइए, या हमारे साथ जाएंगे तो हम लोग ज़रूर दिखाते हैं उसको। वो जो जगह है वहाँ पर इतना बढ़िया है कि लोग दुनिया भर से वहाँ जाते हैं और संतानों की प्राप्ति करते हैं। 2900 लोग हैं जो लोग सारे संसार से आए और इसका फ़ायदा उठाए हैं। और अगर आप वहाँ नहीं जा पाते हैं तो हम लोग आपके लिए वो पुड़िया जो हम लोग अक्सर लाया करते हैं, $4-5 शायद आज के डेट में उसका रेट होगा, छोटा ही रहेगा, वो हार्डली कुछ ही ग्राम का रहता है, लेकिन वो बहुत ही फ्रूटफुल रहता है, काम करता है, लोगों के घर में संतानों का सुख मिलता है। तो ये है, ये प्रोडक्ट को यूज़ करने का तरीका फादर लोग, सिस्टर लोग जो लोग वहाँ पर इसको देते हैं, वो लोग बताएंगे कि प्रार्थना करने के दौरान इसको कैसे कैसे लेना है माता पिता दोनों को जिनको संतान चाहिए। तो ये जो प्रोडक्ट है बहुत काम करता है, बहुत ही श्रद्धा के साथ और बहुत ही इसको विश्वास के साथ में प्रयोग कीजिए, ये बहुत लाभदायक रहता है क्योंकि ये जीवित दूध है। इस तरह से ये वीडियो यहीं ख़त्म होता है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वायरल कीजिए, शेयर कीजिए, और जितना हो सके कमेंट कीजिए।